फाइन स्टूडेंट, टेंस टेंस ये लास्ट क्लास स्टूडेंट टेंस का। तो अभी तक क्या क्या कवर हुआ है? प्रेजेंट टेंस कवर हो चुका है, पास्ट टेंस कवर हो चुका है, और इस क्लास में हम लोग फ्यूचर टेंस देखने जा रहे हैं। फ्यूचर टेंस के अंदर जानते हो, जिस तरह हम लोगों ने बाकी टेंस में देखा है, फर्स्ट वन सिंपल फ्यूचर टेंस, सेकेंड वन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तुम लोग पूरा लिख लोगे, इस जो कंटिन्यूअस है इसको हम लोग प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। थर्ड वन इज योर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एंड लास्ट वन इज योर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये चार चीज़ हमें समझना है इस क्लास में। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस राइट डाउन। अच्छा, जैसे हम लोग देखे हैं प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस या पास्ट या सिंपल पास्ट टेंस, तो देखो दोनों में ही स्टेट ऑफ बीइंग का भी बात था, स्टेट ऑफ पोजीशन का भी बात था, और स्टेट ऑफ एक्शन का भी। तो ये चीज़ यहाँ पे भी लागू होगा, समझ पा रहे हो ना? ये चीज़ यहाँ पे भी लागू होगा स्टूडेंट। तो यदि इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रक्चर क्या होगा बताओ? सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट प्लस विल, शैल, मे, ये जो मॉडल है इसको कहते हैं मॉडल, यानी कि वो मॉडल जो फ्यूचर को बता सके, ऐसा मॉडल। क्योंकि बहुत सारा मॉडल्स होता है जो पास्ट को भी रिफ्लेक्ट करता है, जैसे हुड हो गया, जैसे कूड हो गया, हुड हो गया, कूड हो गया, इस तरह का जो मॉडल से जो पास्ट को दिखाता है, उस मॉडल को यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, उसी मॉडल को यूज़ करना है जो कि फ्यूचर को दिखाएगा। बात समझ गए ना? तो केवल यहाँ खाली मॉडल लिखने से भी नहीं चलेगा स्टूडेंट, क्या होना चाहिए, ऐसा मॉडल हमें लिखना होगा जो कि फ्यूचर रेफरेंस में काम आए। ये थोड़ा डिफरेंट है बाकी टेंस, जो फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आए। तो सब्जेक्ट विल सेल मे, समझ गए, ये फर्स्ट रहेगा। अब उसके बाद समझ सकते हो, बी प्लस योर सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। ये किसके सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा तुम्हारा स्ट्रक्चर स्टेट ऑफ बींग के लिए। किसके लिए हो जाएगा? स्टेट ऑफ बींग के लिए, समझे? तो मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ स्टूडेंट, और वी आर टॉकिंग अबाउट द अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट विल सेल मे प्लस हैव, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, क्योंकि जानते हैं हम लोग कि हैव के साथ जो वर्ड अटैच होगा नाउन, उसको भी हम लोग वर्ब कम्प्लीमेंट ही कहेंगे, उसको भी हम लोग ऑब्जेक्ट ही कहेंगे, क्योंकि वर्ब कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। तो देखो स्टूडेंट, ये क्या चीज़ का स्ट्रक्चर है? स्टेट ऑफ पोजीशन का स्ट्रक्चर है, स्टेट ऑफ पोजीशन का। एंड वी आर मोर कंसर्न अबाउट द स्टेट ऑफ एक्शन। तो स्टेट ऑफ एक्शन का किस तरह बनेगा? सब्जेक्ट विल सेल मे प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट और फ्रेंड्स। तो ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा? स्टेट ऑफ एक्शन को, स्टेट ऑफ एक्शन को। अब जैसे हम लोग बाकी के साथ ट्रीटमेंट किए हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, स्टेट ऑफ बींग के लिए भी हो सकता है। सिमिलरली अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, स्टेट ऑफ बींग के लिए भी हो सकता है सिंपल फ्यूचर टेंस में, और इसके लिए भी लागू होगा। बात समझ पा रहे हो ना? जैसे एग्जांपल देखो, यदि मैं स्टेट ऑफ बींग का बात करूँ स्टूडेंट, यदि मैं एस ओ बी का बात करूँ सिंपल फ्यूचर टेंस का, यदि मैं बात कर रहा हूँ स्टेट ऑफ बींग का सिंपल फ्यूचर टेंस का, तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ मैं, जैसे
ही विल बी ए टीचर, यानी कि वो एक टीचर बनेगा. ही विल बी ए टीचर, वो टीचर समझ रहे हो ना, वो टीचर बनेगा. तो क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है कि वो क्या रहेगा, उसका क्या पोजीशन होगा. तो ही विल बी ए टीचर. अब यदि इसको नेगेटिव में बताना है तो क्या बोलोगे, ही विल नॉट बी ए टीचर. विल ही बी ए टीचर, विल नॉट ही बी ए टीचर. इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, समझ रहे हो ना. तो सबके साथ ट्रीटमेंट कर पाओगे ना स्टूडेंट. हाँ, उसी तरह देखो स्टेट ऑफ पोजेशन, स्टेट, ये सब लिखना है बच्चे लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ को लिखना है. स्टेट ऑफ बींग सिंपल फ्यूचर टेंस, एग्जाम्पल आई शैल हैव, अच्छा आई के साथ विल भी लग सकता है, शैल भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही यूज़ कर सकते हो अभी, मतलब नाउ डेज दोनों ही अलाउड है. आई शैल हैव टू बुक्स, यानी कि मेरे पास दो किताब होंगे. आई शैल हैव टू बुक्स, यानी कि फ्यूचर रेफरेंस दिया जा रहा है कि मेरे पास इतना कुछ होगा. तो ये भी स्टेट ऑफ पोजिशन हुआ ना स्टूडेंट. स्टेट ऑफ पोजिशन फॉर किसके लिए, सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए. आ रहा है समझ में ना, कोई नया चीज़ तो नहीं ना बता रहे हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो किए हैं हम लोग, सिंपल पास्ट टेंस में जो किए हैं, वही चीज़ यहाँ पे भी कर रहे हैं. हाँ, इसको नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हो. आई सेल नॉट हैव टू बुक्स, सेल आई हैव टू बुक्स, क्वेश्चन मार्क, सेल नॉट आई हैव टू बुक्स, समझ गए ना. तो इसको और भी ट्रीटमेंट कर सकते हो. बट वी आर मोर कंसर्न अबाउट द स्टेट ऑफ एक्शन, ज़्यादातर हमारा यहाँ पे फोकस रहेगा. चलो पहले इसको लिखो स्टूडेंट तेजी से. देखो जहां तक सवाल है, नॉर्मली स्टूडेंट आई के साथ सेल लगता है. यदि आपको फ्यूचर बताना है तो आई के साथ सेल लगेगा, यू के साथ है ना, या थर्ड पर्सन सी के साथ, या ही के साथ, या इट के साथ, ऑलवेज कम विल. वहां अभी क्या है कि आप आई के साथ भी विल लगा सकते हो, आई के साथ भी विल लगा सकते हो. नाउडेज अलाउड है ये. यदि फ्यूचर के बारे में बताना हो तो आई के साथ विल लग सकता है, आई के साथ सेल तो लग ही रहा था. बट जब यू के साथ सेल लग जाए, जब यू के साथ सेल लग जाए, सी के साथ सेल लग जाए, ही के साथ सेल लग जाए, तो ऐसे केस में इसका मीनिंग हुआ कि फ्यूचर का बात तो है बट इसमें कंपल्सन है. इसमें क्या कंपल्सन है, मतलब यू शैल गो टू मार्केट, तुमको मार्केट जाना ही होगा, इसमें कंपल्सन है. इसमें कंपल्सन आ सकता है, इसमें डिटर्मिनेशन भी आ सकता है, इसमें थ्रेट भी आ सकता है, बहुत अलग अलग चीज इसमें कैरी करेगा. तो यू के साथ नॉर्मली क्या आता है, विल आता है. सी के साथ नॉर्मली क्या आएगा, विल आएगा. ही के साथ नॉर्मली विल आएगा. हाँ, यदि प्लुरल हो तो प्लुरल, यदि दे हो तो दे के साथ भी क्या आएगा, विल ही आएगा. ये नॉर्मल है. बट यदि यू के साथ सेल आ रहा है, सी के साथ सेल आ रहा है, दे के साथ सेल आ रहा है, ही के साथ सेल आ रहा है, यदि इस तरह का चीज़ आ रहे हैं, ठीक है, ईट हटा दो, ईट का कोई काम ही नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, ईट का कोई काम ही नहीं है. तो यदि यू के साथ सेल आया, सी के साथ सेल आया, दे के साथ सेल आया, ही के साथ सेल आया, तो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंपल्सन को, डिटर्मिनेशन को, और थ्रेट को या वार्निंग को, समझ गए ना. हाँ, इसके बारे में डिटेल्स में तुम लोग पढ़ोगे भर के चैप्टर में, बट चूंकि यहाँ पे भी ज़रूरत है तो थोड़ा बहुत तो बताना ही पड़ेगा, समझ गए ना. अब देखते हैं स्टूडेंट स्टेट ऑफ एक्शन फॉर योर सिंपल फ्यूचर टेंस, फॉर योर सिंपल फ्यूचर टेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस,
अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट। और देखो ये भी समझ लो कि मैं भी मॉडल है, सेल भी मॉडल है, विल भी मॉडल है। अधिकतर हम लोग जो रेफरेंस के लिए जो यूज़ करते हैं वो विल और सेल यूज़ करते हैं। मैं भी यूज़ कर सकते, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। वी कैन यूज़ मैं भी फ्यूचर को रिफ्लेक्ट करता है। अधिकतर जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में जो मॉडल यूज़ होता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए तो क्या है, विल है और सेल है। इसलिए बच्चे लोग जब ग्रामर का बुक पढ़ोगे तुम लोग ना, ग्रामर का बुक रेफरेंस रखोगे पढ़ने के लिए, तो तुमको विल और सेल ही वहाँ पर नज़र आएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं यूज़ नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल यूज़ हो सकता है। वो हर मॉडल यूज़ हो सकता है जो मॉडल फ्यूचर को बताता है। तो मैं तो फ्यूचर को बता सकता है ना, हाँ मैं फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर सकता है, समझे ना। तो मैं यहाँ पे हम लोग कौन सा मॉडल यूज़ करना है, अधिकतर सेल और विल यूज़ करना है। तो इसलिए स्ट्रक्चर में मैं अधिकतर सेल और विल ही यूज़ करूँगा। बट दैट डजेंट मीन कि हम दूसरा मॉडल यूज़ नहीं कर सकते, हम दूसरा मॉडल भी यूज़ कर सकते जो कि फ्यूचर का रेफरेंस दिखाता हो। तो देखो सब्जेक्ट विल सेल प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट एंड फ्रेज, नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट विल सेल प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट और फ्रेज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या तो विल या फिर सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट और फ्रेज क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तो दोनों ही पॉसिबल है, यहाँ वांट भी हो सकता है और यहाँ पे सेंट भी हो सकता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑब्लिक फ्रेज। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट अच्छा तुम लोग जानते हो ना स्टूडेंट, विल नॉट, विल नॉट का कॉम्बिनेशन क्या होगा, वांट। आई वांट गो टू मार्केट, इसका मतलब आई विल नॉट गो टू मार्केट, आया समझ में ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेंट। तो वही चीज बच्चे लोग यहां पे यूज कर रहे हैं, किए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, समझ रहे हो ना। तो विल नॉट लिखेंगे ना यहाँ पे, तो उसके बदले हम लोग वांट लिख रहे हैं, सेल नॉट लिखेंगे ना यहाँ पे, उसके बदले सेंट लिख रहे हैं, जान रहे हो ना, शॉर्ट में लिख सकते हैं ना हम लोग, बिल्कुल। तो डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर आप बहुत तरह का सेंटेंस बना सकते हो, पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, चारों टाइप का आप सेंटेंस बना सकते हो एज यूजुअल, इसमें दोनों ही पॉसिबिलिटी होगा। चलो शुरू करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कहां कहां किया जाए। नंबर वन, इवेंट्स डैट आर, इवेंट्स डैट आर अनप्रिवेंटेबल, यानी कि ऐसा इवेंट्स जो कि अनप्रिवेंटेबल है, जिसको रोका नहीं जा सकता है स्टूडेंट, जिसको रोका नहीं जा सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, विंटर विल कम। अच्छा विंटर को रोक सकते हो क्या तुम लोग, हाँ विंटर को नहीं रोक सकते हो ना। मानसून विल कम, क्या मानसून को रोक सकते हो क्या, नहीं रोक सकते हो। फरवरी विल कम आफ्टर जनवरी, क्या जनवरी के बाद फरवरी को रोक सकते हो क्या, नहीं रोक सकते हो। तो यानी कि हर वो इवेंट जिसको आप रोक नहीं सकते हो, वो सभी किस में लिखना है, सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखना है। समझ में आ गया ना। हाँ नंबर टू, एक्शंस
जनरली एक्शन जनरली हैपन इन फ्यूचर, हैपन इन फ्यूचर यानी कि एक्शन जो कि फ्यूचर में होगा ही होगा ऐसा है ना, नॉर्मली उसका चांस है होने का। जैसे एग्जांपल देखो, तुम लोग लेट से क्रिकेट देख रहे हो या चलो हम ही क्रिकेट देख रहे हैं, आई थिंक इंडिया विल विन द मैच, विन द क्रिकेट मैच। अच्छा क्रिकेट देख रहे हैं, पता चला कि इंडिया का पोजीशन बहुत बेहतरीन है, ठीक है अब जीतने के लिए लेट से 50 रन है, कोहली बैटिंग कर रहा है, ठीक है कोहली बैटिंग कर रहा है, 7 विकेट बचा हुआ है, अब कोहली बताओ 100 रन मार दिया है तो नज़दीक ले जाएगा ना। इसका मतलब क्या कि एक्शन जो कि ऐसा ही फ्यूचर में होगा भारत जीत जाएगा, तो आई थिंक इंडिया विल विन द मैच, यानी कि ऐसा एक्शन जनरली जो फ्यूचर में होता है, जैसे सी विल गो टू स्कूल, जो ही नहीं कि बार बार आपको आई थिंक आई बिलीव ऐसा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। इसे मैंने आई थिंक लिखा है ना, जो ही नहीं कि सेकंड में मुझे आई थिंक आई बिलीव लिखने की जरूरत है, कई बार मन में भी रह सकता है वो बात। सी विल गो टू स्कूल यानी कि नॉर्मली क्या है, वो स्कूल जाएगी। हाँ यदि वो स्कूल रोज जाती है, यदि ये बात सामान्य बात है, तो फिर हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, सी गोज टू स्कूल। बट इसमें क्या है कि नॉर्मली वो स्कूल जाएगी, अब हो गया टाइम, तो क्या बोलेंगे, सी विल गो टू स्कूल, यानी कि ऐसा एक्शन जो जनरली फ्यूचर में होता है उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाएगा। इसको लिख लो, एक दो सेंटेंस बना लो स्टूडेंट। अच्छा जिस तरह हम लोग बाकी सेंटेंस में, बाकी टेंस में हम लोग पढ़े हैं अबाउट कंडीशनल सेंटेंस, तो यहाँ पे भी कंडीशनल सेंटेंस बन सकता है। देखोगे यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस देखोगे, एग्जांपल आई विल गो टू मार्केट, I'll go to market, comma, if it rains. Condition create हो गया ना, मैं market जाऊंगा मगर क्या होना चाहिए उसके लिए, बारिश होना चाहिए, तो बारिश का मजा लेते हुए जाएंगे, if it rains। हमेशा ये गौर करना है विद्यार्थी लोग, देखो ये बहुत मज़ेदार चीज है, मैंने पहले भी बताया था कि फ्यूचर में ट्रैवल करने का जो एक जो चांस मिला है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस को मिला है। याद करो पहले ही बताए थे ना क्लास में कि सिंपल प्रेजेंट टेंस फ्यूचर में भी जा सकता है, ये खासियत है उसका। उसी तरह याद करना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी फ्यूचर में जा सकता है प्लानिंग एक्शन में, याद करो चर्चा किए थे क्लास में। तो बताओ तो ये दोनों एक्शन में पहले कौन सा एक्शन होगा, दिस वन कंडीशन, पहले ये होगा उसके बाद ये होगा, इसका मतलब ये भी तो फ्यूचर रेफरेंस है। मैं किस फॉर्म में लिखा गया है ये, हाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, लिखो इस चीज को, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, यानी कि ये इवेंट वन है, पहला इवेंट होगा, बट सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया, फिर भी ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जब इवेंट होगा तब जाके ये सेकंड इवेंट होने जा रहा है। तो कंडीशन क्या है कि यदि बारिश होगा तब हम बाहर जाएंगे, मार्केट जाएंगे, और ये क्या चीज में लिखा गया है, कौन से टेंस में लिखा गया है, सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखा गया है, दैट्स अ कंडीशनल सेंटेंस। तो कहने का मतलब क्या है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया जा सकता है फ्यूचर को दिखाने के लिए या फ्यूचर को में कंडीशन क्रिएट करने के लिए, समझ गए ना। हाँ फोर देखो, इंस्टेंट एक्शन, और इसको साइड में लिख सकते हो कॉज और इफेक्ट है, कॉज एंड इफेक्ट,
एग्जाम्पल देखो, इट इज अ रेनिंग आई विल टेक एन अम्ब्रेला. आई विल टेक एन अम्ब्रेला. देखो इंस्टेंट एक्शन है, यानी कि ज्यादा बुद्धि वुद्धि नहीं लगा रहे हो, ज्यादा सोच नहीं रहे हो, यानी कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा करेंगे इमिडिएटली. इंस्टेंट, जैसे स्पॉन्टेनियस क्लास हम करवाते हैं ना, तुम लोग को बोला जाता है, तुम लोग इंस्टेंटेनियसली बोलते हो कोई भी चीज़. हाँ, यानी कि स्पॉन्टेनियसली बोलते हो. तो इसमें क्या हो रहा है कि कोई सिचुएशन है, कोई सरकमस्टेंसेस है, और वो सरकमस्टेंसेस को देखते हुए कोई डिसीजन लेते हैं. तो वो भी हमें क्या चीज़ में लिखना होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखना होता है. जैसे इट इज़ अ रेनिंग, अभी बारिश हो रही है, तो यदि बारिश हो रही है तो हमारा क्या प्रायोरिटी रहेगा, अम्ब्रेला लाने का, अम्ब्रेला खोलने का. सही बात है ना. तो इट इज़ अ रेनिंग, यानी कि कॉज क्या है, कारण क्या है, रेनिंग, और उसका असर क्या हुआ, अम्ब्रेला लाना. तो समझ में आ रहा है तुम लोग को क्या बोल रहे हैं. तो कॉज और इफेक्ट के लिए भी हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, सिंपल फ्यूचर टेंस. तो ये क्या है, ये भले ही लिखा है, देखो ये लिखा गया क्या चीज में, देखो इट इज अ रेनिंग का मतलब क्या है स्टूडेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, एक सरकमस्टेंसेस क्रिएट कर रहा है, और ये सरकमस्टेंसेस के बेसिस पे कुछ डिसीजन लिया जा रहा है, और भी इंस्टेंटेनियसली. अब इसके लिए घर में बैठ के कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं हो रहा है, तुरंत डिसीजन लिया जा रहा है, दैट्स कॉल्ड इंस्टेंट एक्शन. समझ गए. तो और इसकी फॉर्म में है, देखो सिंपल फ्यूचर टेंस. आया समझ में ना. तो इंस्टेंट एक्शन के लिए भी हमें क्या चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, सिंपल फ्यूचर टेंस का. अच्छा, अब नोट करके लिख लोगे स्टूडेंट, अभी तक जो भी पढ़े हो सबको यहाँ पे बताना है. फ्यूचर कैन बी रिप्रेजेंटेड, फ्यूचर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉलोइंग वेज. यानी कि फ्यूचर का रेफरेंस हम लोग बहुत तरीके से दे सकते हैं. नंबर वन, याद करना है तुम लोग को सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग देखे थे विद्यार्थी लोग, यदि ठीक से याद है तो, शेड्यूल्ड इवेंट्स यदि फ्यूचर का भी है तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं. एग्जाम्पल देखो, मोदी जी विजिट्स गुजरात टुमारो. शेड्यूल इवेंट है ना, पहले से फिक्स है. मोदी जी कहाँ जाएंगे, गुजरात जाएंगे कल. तो देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ किए हैं, बट फ्यूचर रेफरेंस है ना ये. फ्यूचर यानी कि फ्यूचर में ट्रैवल करने का बहुत तरीका हो सकता है. एक तरीका क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी इन द फॉर्म ऑफ शेड्यूल इवेंट्स. नंबर टू देखोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या, प्लानिंग एक्शन ये भी फ्यूचर को दिखा सकता है. जैसे एग्जांपल देखोगे, माय अंकल इज गोइंग टू कम My uncle is going to come tomorrow. तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ना, बट क्या फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं है. प्लानिंग एक्शन है कि हमारे जो अंकल है वो कल आ जाएंगे, तो फ्यूचर ही दिखा रहा है ये. मगर किस टेंस का यूज़ करके, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करके. My uncle is going to come tomorrow. तीसरा देखोगे स्टूडेंट, तीसरा क्या होगा, हाँ, प्रेजेंट इज क्लोजली, प्रेजेंट इज क्लोजली लिंक टू इमीडिएट फ्यूचर. यानी कि जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो फ्यूचर से बहुत ही क्लोज्ड है, लिंक्ड है.
तो ऐसे केस में हम लोग बहुत तरह का वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल पहले दे देता हूँ यहाँ पे, लेट्स गो इनटू द ट्रेन, लेट्स गो इनटू द ट्रेन, इट इज अ गोइंग टू स्टार्ट, इट इज गोइंग टू स्टार्ट। देखो ट्रेन के अंदर बैठते हैं, क्यों बैठते हैं? क्योंकि वो स्टार्ट होने जा रहा है, इट इज गोइंग टू स्टार्ट। तो ये देखो यूज किया हो, यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज हुआ है ना, हाँ। तो ये देखो इसका मतलब जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो फ्यूचर के इमिडिएटली लिंक्ड है। वो ट्रेन नहीं जाओगे तो ट्रेन छूट जाएगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेट्स गो इन टू द ट्रेन, इट इज अबाउट टू स्टार्ट। इसको सेम लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे लिखो कि इट इज अबाउट टू स्टार्ट। अबाउट टू स्टार्ट मतलब क्या? स्टार्ट होने ही जा रहा है, चलो जल्दी ट्रेन के अंदर। अब देखो फोर्थ वन, समझे ना, फोर्थ वन, फोर्थ वन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? फॉर फ्यूचर प्लान एंड अरेंजमेंट, फॉर फ्यूचर प्लान एंड अरेंजमेंट। यहाँ लोग कुछ कुछ फ्यूचर में होने जा रहा है, कुछ फ्यूचर में अरेंजमेंट होने जा रहा है, तो उसके लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाए? तो उसके लिए देखो इस्तेमाल जो होता है वो टू बी फॉर्म, हाँ टू बी फॉर्म यूज होगा, टू बी फॉर्म प्लस टू। अब इसका मतलब क्या है समझो, टू बी, अच्छा टू बी फॉर्म याद है तुम लोग को? टू बी फॉर्म क्या बताए थे? इज एम आर, चूंकि प्रेजेंट पास का नहीं, प्रेजेंट का ही ले रहे हैं हम लोग, प्रेजेंट में यही होता है टू बी फॉर्म। इज हो सकता है, एम हो सकता है, आर हो सकता है, करेक्ट। अब प्लस टू, अभी टू का मतलब क्या है यहां पे समझो, आवर पीएम इज टू, आवर पीएम इज टू विजिट, इज टू विजिट द यूएस नेक्स्ट वीक। हमारे जो प्रधानमंत्री है वो कहाँ विजिट करने जा रहे हैं? यूएस में। कब? नेक्स्ट वीक। देखो फ्यूचर दिखा रहा है नहीं अभी, ए देखा फ्यूचर दिखा रहा है ना ये बच्चे लोग? ये इज क्या है, टू बी फॉर्म है कि नहीं है बताओ? ये टू बी फॉर्म है, और उसके बाद हम लोग क्या यूज किए? टू यूज किए हैं। इसका मतलब ये, यानी कि टू बी फॉर्म प्लस टू, ये दो कम्बिनेशन है, और उसके बाद ऑलवेज वी वन, और उसके बाद वी वन होगा। यहाँ पर लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि टू बी फॉर्म इज एम आर प्लस प्रीपोजिशन टू, और उसके बाद वी वन। यदि ये भी कम्बिनेशन में आए तो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फ्यूचर प्लान को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्यूचर अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो फ्यूचर कितने तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस से भी, बाकी तो देखो सिंपल फ्यूचर टेंस तो पढ़े ही हैं, वो तो रिप्रेजेंट हो ही रहा है, साथ साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस से भी रिप्रेजेंट हो सकता है फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से भी फ्यूचर रेफरेंस हो सकता है, हाँ अबाउट टू वर्ड से भी हो सकता है, या फिर टू बी फॉर्म प्लस टू से भी रिप्रेजेंट हो सकता है। अब देखो याद करो स्टूडेंट, हम लोग चर्चा कर चुके हैं क्लास में पहले भी, कि जब न्यूज़पेपर हेडलाइंस का बात आए तो कौन सा टेंस यूज होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो उस समय मैंने एक वर्ड जरूर बोला होगा कि अधिक से अधिक जो हेडलाइंस वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, 80% 90% या 95% इस तरह का मैंने आंकड़ा दिया होगा। इसका मतलब और भी है, यानी कि और भी गुंजाइश है हेडलाइंस लिखने का, यानी कि दूसरा तरीका भी हो सकता है हेडलाइंस क्रिएट करने का न्यूज़पेपर में। इसका मतलब यदि मैं 90% बोल रहा हूँ तो 10% गुंजाइश है ना दूसरे का, तो 10% इसी का गुंजाइश, यानी कि ये भी हेडलाइंस बन सकता है। अब देखो इस चीज़ को हेडलाइंस बनाना है तुमको न्यूज़पेपर का, तो उस समय जनरली पेपर में देखोगे तो ये जो टू बी फॉर्म है इसको ड्रॉप किया जाता है, यानी कि इसको यूज़ नहीं किया जाएगा। यदि इसको हेडलाइंस बनाना है न्यूज़पेपर का तो क्या होगा उसमें? देखो बच्चे लोग, आवर पीएम टू विजिट द यूएसए नेक्स्ट वीक,
इस तरह का चीज़ तुमको हेडलाइंस के रूप में मिलेगा न्यूज़पेपर में, इट विल बिकम द हेडलाइंस। इसमें क्या करना है, टू बी फॉर्म, यानी कि इसको ड्रॉप करना है, हटा देना है। देखो हटा दिए ना हम यहाँ से, इसको इसको यहाँ से हटा दिया और ये हेडलाइंस फॉर्म में आ गया। तो हेडलाइंस न्यूज़पेपर लिखने का दो तरीका हो सकता है। एक तरीका क्या हो सकता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, आ रहा है समझ में? और एक तरीका क्या हो सकता है, ये वाला टू बी फॉर्म प्लस टू प्लस बी वन, बट टू बी फॉर्म क्या करना है, इसको हटा देना, ड्रॉप कर देना। तो कल से न्यूज़पेपर पढ़ोगे या फिर जो भी फ्यूचर में पढ़ोगे तो ध्यान देना, इस तरह का सेंटेंस तुमको मिलेगा देखने को। आया समझ में? गॉट इट? समझ में आ गया ना स्टूडेंट? ए मुरझा गया क्या तुम लोग? नहीं समझ में आ रहा क्या ठीक से? पौधा में पानी देना पड़ेगा क्या जी? तुम लोगों को मजाक लग रहा होगा, टेंस नहीं है, टेंस है, इजी है। ऐसे टेंस क्या होता है, कुछ तो नहीं होता, एक बार देखेंगे सब आ जाएगा। किसी चीज़ को इजी मत समझो, और यदि इजी है तो हम हार्ड कर देंगे, डोंट वरी। हो गया नहीं? अच्छा, जो कन्वेंशनल बुक है उसमें तो इजी इजी दिया गया है। आप यदि बुक देखोगे स्टूडेंट, मैं वो तारीफ नहीं कर रहा हूँ अपना, यदि आप बुक देखोगे तो आपको इजी इजी फॉर्मेट में है टेंस, मैं उसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है। यदि आप एडवांस लेवल का इंग्लिश देखोगे जो कंपटीशन में जो चाहिए होता है, यू विल गेट सच थिंग्स, इस तरह या इससे भी खतरनाक चीज़ मिल सकता है उसके अंदर। चलो इसको लिखो फटाफट। हाँ, जब हेडलाइंस का बात आया है तो नोट करके ब्रैकेट में लिख ही दो ना, को सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो भी हेडलाइंस के लिए यूज़ होता है। तो हेडलाइंस दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक तरीका ये हो सकता है और एक तरीका ये हो सकता है। यस, वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट वन, पहला कंप्लीट हो चुका है। नाउ विल सी सेकेंड वन। देखो सेकेंड क्या होगा बताओ, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें तो ना ही कोई स्टेट ऑफ बींग, ना ही कोई यहाँ पे स्टेट ऑफ पोजिशन, बस एक ही होगा, डेट इज स्टेट ऑफ एक्शन। अफर्मेटिव सेंटेंस देखोगे स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लस विल या फिर सेल, हाँ यहाँ पे भी आ जाएगा, ओके, बी वी आई एन जी फॉर्म या फिर वी फोर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फ्रेस, हो गया ये। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल सेल, यहाँ पे नॉट लगा दोगे तो जब विल के साथ नॉट का कॉम्बिनेशन होगा, वांट भी, वांट हो जाएगा ना, या सेंट बी प्लस, चलो वी आई एन जी फॉर्म प्लस, हाँ बी फोर नहीं लिख रहे हैं वहाँ पे, एक ही बात है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस उनको पहले ले लो, हाँ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन नहीं देखे तो गलत हो जाएगा। INS form, इसको want लिख दो, उसको send लिख दो, plus subject plus be plus ing form plus object phrase question mark, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है student, will हो, shall हो, plus subject plus not plus be ing form प्लस सब्जेक्ट ऑब्लिक फ्रेस क्वेश्चन मार्क, पॉसिबल है कि नहीं है? दोनों पॉसिबल है। चलो एप्लीकेशन करते हैं स्टूडेंट, एप्लीकेशंस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नंबर वन, कंटिन्यूअस एक्शन इन फ्यूचर,
विथ और विदाउट ए स्पेसिफिक टैग. जैसे she will be cooking food, she will be cooking food tomorrow, या फिर she will be cooking food this time tomorrow. क्या कर रही होगी वो, खाना बना रही होगी इस समय कल. She will be cooking food this time tomorrow. हाँ देखो, ये टाइम क्या है, स्पेसिफिक टाइम नहीं है. ये टाइम कुछ भी हो सकता है ना, ये 3 बजे भी हो सकता है, 4 बजे भी हो सकता है. यदि मैं कह दूँ they will be completing, their projects at 2 PM tomorrow. They will be completing their projects at 2 PM tomorrow. देखो स्पेसिफिक टाइम है कि नहीं है. कल वो क्या करेगा, वो लोग अपना प्रोजेक्ट वो कंप्लीट कर रहा होगा 2 बजे तक. 2 बजे, हाँ 2 बजे तक नहीं, 2 बजे. एट का मतलब क्या, स्पेसिफिक टाइम. समझ पा रहे हो ना स्टूडेंट, तो ये क्या है कि फ्यूचर में ऐसा चीज कंटिन्यूस हो रहा होगा. समझे, यदि मान लो कि ये फ्यूचर रेफरेंस है, ये फ्यूचर का, हाँ ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, तो ये फ्यूचर जो हम नहीं देख रहे हैं, जो हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि फ्यूचर का चीज़ तो फ्यूचर का ही चीज़ है. वहाँ हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फ्यूचर में कोई चीज़ कंटिन्यूस, फ्यूचर में ये क्या होगा, कंटिन्यू होगा. तो सी विल बी कुकिंग फूड, यानी कि वो फ्यूचर में खाना बना रही होगी इस समय कल. दे विल बी कम्प्लीटिंग देयर प्रोजेक्ट्स, वो क्या कर रहा होगा, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा होगा. देखो कंप्लीट कर रहा होगा, देखो लगा हुआ है, और कब तक कंप्लीट कर लेगा, 2 बजे तक. विथ और विदाउट स्पेसिफिक टाइम, देखो यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम है बच्चे लोग, और यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है. दिस टाइम, और दिस टाइम तो अभी का जो टाइम है वो तो 2 बजे भी हो सकता है, 3 बजे भी हो सकता है, वो कल होने वाला. बट जब हम यहाँ पे 2 PM बोल दिए, तो इसका मतलब क्या हो, कि स्पेसिफिक टाइम है वो. जैसे आई विल बी टीचिंग इन फ्यूचर, आई विल बी टीचिंग, बस उतना भी ख़त्म हो जाएगा ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई भी टाइम हो सकता है वो. हाँ यदि मैंने कहा कि आई विल बी टीचिंग एट 2 PM टुमारो, इसका मतलब क्या, स्पेसिफिक टाइम दे रहे हैं, कल भी हम 2 बजे पढ़ा रहे होंगे. समझ गए ना, तो कंटिन्यूस एक्शन फ्यूचर में होना है, विथ और विदाउट स्पेसिफिक टाइम. नंबर टू देखो, इंटेंशन इन फ्यूचर, यदि फ्यूचर का इंटेंशन बताना है कि फ्यूचर में ऐसा ही कुछ होगा. जैसे एग्जांपल देखो, ही विल बी गोइंग टू दुबई फॉर एन ऑफिशियल मीटिंग, फॉर एन ऑफिशियल मीटिंग. देख रहे स्टूडेंट क्या है, ही विल बी गोइंग टू दुबई, यानी कि वो दुबई जा रहा होगा किस चीज़ के लिए, ऑफिशियल मीटिंग के लिए. हाँ फॉर एन ऑफिशियल मीटिंग, इसका मतलब क्या, साफ साफ इंटेंशन क्लियर है ना फ्यूचर में, कि फ्यूचर में क्या हो रहा होगा, वो केवल जा ही नहीं रहा होगा, किस चीज़ के लिए जा रहा होगा, वो ऑफिशियल मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रहा होगा वो. ही विल बी गोइंग टू दुबई फॉर एन ऑफिशियल मीटिंग, यानी कि आपका यदि फ्यूचर में कोई इंटेंशन क्लियर है कि फ्यूचर में आप यही करने जा रहे हो, ठीक है, तो क्या चीज में यूज करना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में. अच्छा नंबर थ्री देखोगे, इवेंट, इवेंट्स डेट आर कंटिन्यूस इन प्रेजेंट
and are expected events that are continuous in present and are expected to continuous in future also. और देखो ये बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर से एक बहुत सुंदर एप्लीकेशन है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का. अर्बनाइजेशन विल बी स्टिल ग्रोइंग, अर्बनाइजेशन विल बी स्टिल ग्रोइंग इन डिकेड्स टू कम. देखो बहुत सुंदर, बहुत हद ही सुंदर सेंट, ये हद ही सुंदर एप्लीकेशन है स्टूडेंट. देखो क्या है ये, पहले समझो कोई चीज़ अभी कंटिन्यूअस है, समझ रहे हो स्टूडेंट, पहले समझो लिखना तो इधर में. कोई भी चीज़ अभी कंटिन्यूअस है और हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी ये चीज़ कंटिन्यूअस होगा, अभी भी कंटिन्यूअस है और ये फ्यूचर में भी कंटिन्यूअस होगा, तो लिखे तो किस में लिखे इसको, तो क्या इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखे चाहे इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लिखे. तो ऐसी चीज को हमेशा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है. जैसे देखो अर्बनाइजेशन समझते हो ना, अर्बन सिटीज का डेवलप्ड होना, तेजी से सिटी का विकास होना, बड़ा वाला सिटी बनना अभी भी हो रहा है ना, और आने वाले समय में और ज्यादा होगा, ये आने वाले समय में और ज्यादा होगा. तो क्या लिखा गया है, इवेंट्स दैट आर कंटिन्यूअस इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में भी वो इवेंट कंटिन्यूअस है और उम्मीद किया जा रहा है कि कंटिन्यूटी फ्यूचर में भी रहेगा, वो एक्शन फ्यूचर में भी रहेगा. तो उस चीज़ को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखेंगे, क्या चीज़ में लिखेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे. यानी कि अर्बनाइजेशन विल बी स्टिल ग्रोइंग इन डिकेड्स टू कम, यानी कि जो अर्बनाइजेशन है वो आने वाले समय में, इन डिकेड्स टू कम क्या है कि आने वाले समय में इन दशकों में और बढ़ने जा रहा है, इसका मतलब अभी भी बढ़ रहा है, आने वाले समय में ही बहुत बढ़ेगा. तो ये बहुत ही यूनिक एप्लीकेशन है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, समझ गए ना. चलो प्रिडिक्ट एनवायरनमेंट इन फ्यूचर, फ्यूचर में इस तरह का एनवायरनमेंट होगा उसको प्रिडिक्ट करने के लिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं. जैसे व्हेन एम एस धोनी goes to pitch, जब एम एस धोनी पिच पे जाएंगे, when एम एस धोनी goes to pitch, the audience will be cheering his name. तो क्या है कि किस तरह का environment होगा future में. अच्छा एम एस धोनी जब बल्ला लेके निकलता है पिच पे तो जाने में क्या होता है, प्रचार भी नहीं आता है, बताओ एडवर्टीजमेंट नहीं आता है बच्चे लोग, एम एस धोनी को देखो वही सबसे बड़ा एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट बंद हो जाता है, एम एस धोनी को दिखाता है. ऐसा रेयरली होता है किसी भी स्पोर्ट्स में. इसका मतलब क्या है, जब एम एस धोनी जाएंगे पिच पे तो ऑडियंस क्या होगा, धोनी धोनी धोनी. जैसे मोदी जी जाते हैं ना भाइयों और बहनों, तो क्या बोलता है आगे बैठा हुआ आदमी सब, मोदी मोदी. तो कहने का मतलब क्या है कि फ्यूचर का जो रेफरेंस है, फ्यूचर में ऐसा ही कुछ होने जा रहा है, तो उसके लिए भी इन्वायरमेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए भी फ्यूचर का हम लोग क्या चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी यूज़ कर सकते हैं, समझे. हाँ और देखो एक बात गौर करना विद्यार्थी लोग थोड़ा, देखो तो वन एम एस धोनी गोज टू पिच, इसका मतलब क्या है, जब एम एस धोनी का पिच पे जाना सामान्य बात है कि नहीं है, ये भी फ्यूचर को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जब एम एस धोनी जाते हैं पिच पे तो ऑडियंस लोग चिल्लाते हैं उनका नाम. When two events are occurring in future at the same time,
यानी कि जब दो इवेंट फ्यूचर में साथ साथ हो रहा है, जानते हो कल भी किए हो, यानी कि पिछले क्लास में भी किए हो, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट एंड माई ब्रदर विल बी कुकिंग फूड। यानी कि हम क्रिकेट खेल रहे होंगे और हमारा भाई क्या कर रहा होगा, खाना बना रहा होगा, तो दोनों एक्शन क्या है, सेम टाइम चलेगा ना स्टूडेंट, फ्यूचर। हाँ इसको ये एंड क्या है, हाँ वेरी गुड, ये क्या है, कंजंक्शन है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, वाइल करके, वाइल आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट कॉमा माई ब्रदर विल बी कुकिंग फूड, तो वाइल करके भी आप कंजंक्शन के रूप में यूज़ कर सकते हो ना। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, वाइल भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, लिख लो वो सेंटेंस में, वाइल आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट कॉमा माई ब्रदर विल बी कुकिंग फूड। यस वी हैव कंप्लीटेड द एप्लीकेशन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कंप्लीट हो गया। अब देखो कई लोग ना कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है दुनिया में, रोनाल्डो सुने हो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अभी बताओ यूट्यूब चैनल खोला है उन्होंने, बताओ सब रिकॉर्ड तोड़ दिया, अभी 50 मिलियन सब्सक्राइबर है, कितना दिन हुआ, 10 से 15 दिन हुआ है, अब 60 हो गया है, परसों देखे थे 49 point something 50 मिलियन था, बताओ रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड है। पहला ही दिन उनको सिल्वर बटन, गोल्ड बटन, डायमंड बटन, मतलब पहला दिन, बताओ। मुझे नहीं लगता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा कोई फेमस है वर्ल्ड में, इतना ज़्यादा फैन फॉलोइंग है उसका, जिंदगी बीत जाता है आदमी लोग का 1 million सब्सक्राइबर बनने में, समझ लो बात को, यहाँ पे तो नाम ही काफ़ी है रोनाल्डो का। आई डोंट थिंक कि प्रेजेंट टाइम में कोई रोनाल्डो को बीट कर सकता है पॉपुलरिटी में, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली भी पॉपुलरिटी में मैच कर पाएगा, बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हुआ आदमी, और ना ही किसी प्रधानमंत्री ना ही कोई प्रेसिडेंट मैच कर पाएगा उसके पॉपुलरिटी को, ही सो पॉपुलर, कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है वो, नहीं तो वो तो यूट्यूब पे पता चल ही जाता है, 50 सोचो 60 बोल रहे हो तुम, अनबिलीवेबल। इंस्टाग्राम में भी सबसे ज़्यादा जो फॉलोअर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ही है, इंडिया में देखोगे तो विराट कोहली का सबसे ज़्यादा फॉलोअर है इंस्टाग्राम में। ये लोग एक पोस्ट करने के लिए बहुत पैसा लेते हैं स्टूडेंट, जानते हो ना तुम लोग, जिसके पास पैसा है उसके पास कुछ ज़्यादा ही है, और जिसके पास नहीं है तो बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा ही गिनी कोफिशियंट बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा ही इनइक्वालिटी गैप हो रहा है। एनीवे वी हैव कंप्लीटेड सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब देखते हैं यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि फ्यूचर में कोई भी चीज़ क्या है, फिक्स्ड है कि ऐसा ही कुछ होने जा रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस लिखोगे क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल, अच्छा यहाँ पे मॉडल लग जाए तो ऑलवेज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और फ्रेज। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट, चलो इसको मैं वांट कर देता हूँ, समझ जाना नेगेटिव करने के बाद हुआ ये, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और फ्रेज, ये समझ में आया ना, विल नॉट होगा तो वांट हो जाएगा, सेल नॉट तो सेंट हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और फ्रेज क्वेश्चन मार्क,
इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, या तो वांट या सेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना स्टूडेंट, बहुत पॉसिबल, दोनों ही पॉसिबल है ना लास्ट का। चलो इसका भी एप्लीकेशन करते हैं हम लोग। कोई प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है क्या क्लास में? एप्लीकेशंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, देखो एक्शन फिक्स्ड इन फ्यूचर, सी विल हैव कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट बाय टुमारो, यानी कि एक्शन जो फिक्स है फ्यूचर में कैसा ही होगा। सी विल हैव कम्प्लीटेड हर प्रोजेक्ट बाय टुमारो, यानी कि वो अपना काम अपना प्रोजेक्ट कल तक खत्म कर देगी, कल तक कंप्लीट कर देगी। अच्छा ये वी टू है कि वी थ्री है स्टूडेंट, बताओ जल्दी से। कंप्लीटेड वी थ्री है, तो रेगुलर वर्ब है ना यहाँ पे, वी टू और वी थ्री सेम। सिमिलरली इसी को एक्सटेंड करके सेकेंड एप्लीकेशन, सर्टिनिटी इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में ऐसे ही कुछ होने जा रहा है। हाँ आप इस पर भी लिख सकते, मतलब एक ही चीज़ है, इसी को मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ, सर्टिनिटी इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में ऐसे ही कुछ होगा। एग्जाम्पल, आई विल हैव अरेंज्ड, होटल, आई विल हैव अरेंज ए होटल, हाँ आई विल हैव अरेंज ए होटल बाय देन। आई विल हैव अरेंज ए होटल बाय देन, यानी कि तब तक हम क्या करेंगे, अपना होटल एक अरेंज कर लेंगे। बाय देन का मतलब क्या, फ्यूचर में कोई एक टाइम फिक्स्ड है तो उस समय तक हम क्या कर लेंगे, एक होटल अरेंज कर लेंगे फॉर लिविंग पर्पस, रहने के लिए। समझ गए ना स्टूडेंट? तो फ्यूचर का सर्टिनिटी का बात हो या एक्शन का बात हो, फ्यूचर में एक्शन जो फिक्स है उसके लिए हमें हमेशा यूज करना होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। नंबर थ्री देखोगे, कह सकते हो इसको कंडीशनल सेंटेंस, टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। द ट्रेन विल हैव स्टार्टेड जस्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। यानी कि फ्यूचर में बताया जा रहा है कि क्या होगा, ट्रेन खुल रहा होगा या खुल चुकी होगी और हम लोग पहुंच रहे होंगे। तो बताओ तो पहले कौन सा एक्शन हो रहा होगा फ्यूचर में? दिस वन। गौर करना स्टूडेंट, यहाँ पे भी देखो वी रीच द स्टेशन, ये कौन सा टेंस है बताओ तो? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। गौर कर रहे हो ये बात कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ नहीं आ रहा है फ्यूचर दिखाने के लिए, तो दोनों ही फ्यूचर का रेफरेंस है ना। पहले कौन हो रहा होगा? द ट्रेन विल हैव स्टार्टेड, यानी कि ट्रेन विल हैव स्टार्टेड जस्ट, यानी कि ट्रेन खुल चुकी होगी, एंड देन वी रीच, तब हम लोग पहुँच रहे होंगे फ्यूचर में, ये चीज़ हो चुका होगा तब हम लोग पहुँचेंगे स्टेशन पर। ये भी तो एक कंडीशनल सेंटेंस है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा, तो वहाँ पे भी हम लोग फ्यूचर रेफरेंस के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। समझ गया?
कंडीशनल सेंटेंस। अच्छा, परफेक्ट टेंस आया है तो परफेक्ट टेंस में आप बिफोर यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस। ठीक है, मैंने कहा है ना कि परफेक्ट टेंस में यू कैन यूज बिफोर, चाहे वो सिंपल, चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, या फिर फ्यूचर का हो। हाँ, इज देयर एनी अदर एप्लीकेशंस? बी क्विक, क्या पिछले क्लास में कोई और भी एप्लीकेशन बताए थे? बच्चे लोग पिछले बार क्लास का नहीं लेके आए हो तुम लोग? जल्दी देखो। ठीक है, इतना ही है एप्लीकेशन इसका। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, क्या होगा इसका बताओ तो? प्लस ऑब्जेक्ट और फ्रेस प्लस सिंस और फर, ये आ जाएगा ना यहाँ पे सिंस और फर, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस किस तरह होगा इसका देखो, सब्जेक्ट प्लस विल सेल, यहाँ पे नॉट लगा दोगे और पूरा कंटिन्यू लिखो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन और ये कंटिन्यू लिखो। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्लस सब्जेक्ट, हाँ इसको यहाँ पे कर लो, इसको इसको नेगेटिव, हाँ नॉट को छोड़ देना, बाकी सब रिप्लेस कर सकते हैं। ये भी तरीका हो सकता है, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, समझे ना, समझ पा रहे हो ना स्टूडेंट? विल सेल और उसके बाद लगा दो वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट और फ्रेस प्लस सिंस और फॉर, और यहाँ पे चूंकि इंट्रोगेटिव है तो यहाँ क्वेश्चन पुट होगा, यहाँ पे क्वेश्चन और यहाँ पे क्वेश्चन। इसका मतलब क्या होगा कि फ्यूचर में देखो बच्चे लोग, हमेशा देखो इसमें दोनों कॉम्बिनेशन है, ये परफेक्ट भी है कंटिन्यूस भी है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन है नहीं ये। इसका मतलब क्या कि एक लाइन बनेगा ऐसे करके, लेट से ये प्रेजेंट लिखो और ये फ्यूचर, यानी कि कोई चीज़ कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में भी, फ्यूचर में स्टार्ट होगा, फ्यूचर में कंटिन्यूस रहेगा और फ्यूचर में ही ब्रेक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी कि दोनों का प्रॉपर्टी होना चाहिए इसके अंदर। बात समझ रहे हो ना, दोनों का ही प्रॉपर्टी होना चाहिए। दोनों का प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, इसमें परफेक्ट वाला भी एलिमेंट होना चाहिए और कंटिन्यूटी वाला भी एलिमेंट होना चाहिए। कंटिन्यूटी वाला एलिमेंट ये है और परफेक्ट वाला क्या है कि यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है। देखो तो लिखोगे एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नंबर वन, एक्शंस कंटिन्यूस इन फ्यूचर एंड कंप्लीटेड इन फ्यूचर, कंप्लीटेड इन फ्यूचर। एक्शन जो कि कंटिन्यूस रहेगा फ्यूचर में और कंप्लीट भी हो जाएगा फ्यूचर में। एग्जांपल देखो, आई विल बी टीचिंग, हाँ अच्छा भी लगा दी, सॉरी, आई विल हैव बीन टीचिंग
इंग्लिश फॉर 5 years by the next month. I will have been teaching English for 5 years by the next month. इसका मतलब next month मेरा पूरा हो जाएगा, यानी कि I will have been teaching English for 5 years. अच्छा देखो ये बोलना चाह रहा है कि हम क्या कर रहे होंगे इंग्लिश को पढ़ा, आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, यानी कि टीचिंग हम पढ़ा रहे होंगे, मतलब हम लोग पढ़ा, हम इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे फ्यूचर में, और नेक्स्ट मंथ क्या हो जाएगा, 5 साल कंप्लीट हो जाएगा. तो क्या किए फ्यूचर में, कंटिन्यू किए ना फ्यूचर में, बोले कि हम फ्यूचर में कोई एक्शन कंटिन्यू है, मतलब नेक्स्ट मंथ क्या हो जाएगा उसका जाके कंप्लीट हो जाएगा. आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years बाय द नेक्स्ट मंथ ऑफ, लिख दो बाय द नेक्स्ट मंथ ऑफ 2030 लिख दो, ज़्यादा बेटर रहेगा ये बताना. बाय द, हाँ अच्छा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गलत हो जाएगा. बाय द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर 2030 ऐसे कर दो, बेटर रहेगा. आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years बाय द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर 2030, यानी क्या है कि 2030 का जब सेप्टेम्बर का मंथ होगा तो मेरा 5 साल का इंग्लिश टीचिंग का एक्सपीरियंस हो जाएगा, कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाएगा 5 साल. क्योंकि हमें प्रेजेंट से नहीं जोड़ना है, हमें क्या करना है स्टूडेंट, फ्यूचर का दिखाना है. फ्यूचर में कोई चीज़ कंटिन्यूस होगा और ख़त्म हो जाएगा, तो 5 years कब कंप्लीट होगा, जब सेप्टेम्बर 2030 आएगा तब ख़त्म होगा. हाँ फॉर लगा है, आप सिंस भी लगा सकते हो. नंबर टू देखोगे कंडीशनल सेंटेंस, ये बहुत ही डिफरेंट सेंटेंस होने जा रहा है. कंडीशनल सेंटेंस यानी कि यहाँ पे ब्रेकर यूज़ करना होगा आपको. ब्रेकर का मतलब क्या है, सी विल हैव सी विल हैव लर्निंग She will have learning German literature. She will have been learning German literature for 4 years for 4 years in JNU in Jawaharlal Nehru University by the time she leaves for Germany. अब देखो ये कितना डिफरेंट सेंटेंस है. सी विल हैव बीन लर्निंग जर्मन लिटरेचर फॉर 4 years इन JNU बाय द टाइम सी लिव्स फॉर जर्मनी. अच्छा इसका मतलब क्या है, देखो ये कंडीशनल सेंटेंस है, ये मिटा देना, इसको थोड़ा बताना पड़ेगा मुझे लाइन पे. देखो वो क्या रहा है, एक लाइन कीजिए ठीक है, ये कहो कि प्रेजेंट है और ये कहो फ्यूचर है, अब पास से कोई मतलब नहीं है. अभी सी विल हैव बीन लर्निंग जर्मन लिटरेचर, यानी कि वो जर्मन लिटरेचर सीख रही होगी कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, कंटिन्यूस ही है. जैसे ही 4 साल खत्म होगा, बाय द टाइम का मतलब क्या, ब्रेकर लग रहा है, इसको ख़त्म करना है एक्शन को. जैसे ये ख़त्म होगा उसके बाद वो कहाँ चली जाएगी, जर्मनी चली जाएगी. आया समझ में, ये समझ में आया तुम लोग को, क्योंकि हमें एक्शन को फ्यूचर एक्शन, हमें क्या करना है एक्शन को फ्यूचर में कंप्लीट करना है, ख़त्म भी करना है. देखो यहाँ पे भी ख़त्म हो रहा है ना, देखो तो
आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स बाय द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर 2030। यानी कि हम इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे और जैसे ही सेप्टेम्बर 2030 होगा क्या हो जाएगा, मेरा 5 साल का इंग्लिश टीचिंग कंप्लीट हो जाएगा। कंटिन्यूटी फिर कंप्लीट कर दी है। उसी तरह यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ब्रेकर यूज़ किए, इसको ब्रेकर कहते हैं स्टूडेंट, क्योंकि आप एंड कर रहे हो और बता रहे हो कि अब क्या होगा, यहाँ पे आपको एंड करना है। तो इसमें मैं फिर बता रहा हूँ, सुनो क्या लिखे हैं। सी विल हैव बीन लर्निंग जर्मन लिटरेचर, वो जर्मन लिटरेचर सीख रही होगी। कंटिन्यूटी होगा ना यहाँ पे, और किसना कितना साल के लिए, 4 ईयर्स के लिए, फ्यूचर है 4 ईयर्स के लिए। जैसे ही 4 साल कंप्लीट हो जाएगा बाय दैट टाइम, यानी कि जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो जर्मनी चले जाएगी। ब्रेकर लग गया। तो जब ब्रेकर लगाना हो, जब आपको काम कंप्लीट करना हो, तो उस समय इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हो, बाय द टाइम। बाय द टाइम बोलने का मतलब क्या है कि ब्रेकर लग गया, वो कंटिन्यूटी खत्म हो गया, और कंटिन्यूटी खत्म हो गया उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, देखो सी लिव्स फॉर जर्मनी। तो यहाँ पे भी गौर करना है स्टूडेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस आ रहा है फ्यूचर को दिखाने के लिए। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का बहुत ज़्यादा ही उपयोग है कंडीशनल सेंटेंस में फ्यूचर को और जोड़ने के लिए। यानी कि ये जो चीज़ होगा इसके बाद का चीज़ होगा, देखो ये किस लेवल तक फ्यूचर में ट्रैवल कर सकता है। ये तो फ्यूचर पूरा ही है, मैं इसके बाद भी हम लोग SPT यूज़ कर सकते बताने के लिए कि इसके बाद देखिए ये होने जा रहा है। आया समझ में? दैट्स इट, कंप्लीटेड, टेंस कंप्लीट हो चुका है।